हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है, जिसका हम सभी को इंतजार था। 2021 में आई हुई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ये सीक्वल है जो मॉन्स्टरवर्स में आता है, जिसे काफी लोगों ने सराहा भी और पर्सनली मैंने उसे एंजॉय भी किया। तो कैसी है ये मूवी, चलिए जानते हैं। मैं हूं अजय, आपका स्वागत करता हूं चैनल में। विदाउट वेस्टिंग फर्दर ado, लेट्स जंप टू रिव्यू। इस मूवी का टोटल रन टाइम तकरीबन 2 घंटे है, और सच मानिए ये 2 घंटे आपके कैसे निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इस मूवी का स्क्रीन प्ले इतना फास्ट और एंगेजिंग है कि 2 घंटे तक ये मूवी आपको एज अमजद सिंह बांधे रखती है। इससे पहले जहां हमने गॉडजिला और कॉन्ग को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखा था, लेकिन इस मूवी में यहां पर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों एक साथ मिलकर दुनिया को बचाते हुए दिखाई देंगे। ऑल अर्थ, स्कल आइलैंड और टाइटन जैसे हैरतन रेज करने वाली चीजें भी हमें देखने मिलेंगी, जो हमारे रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। कहानी सिंपल है पर एंगेजिंग नजर नहीं आती। ह्यूमन इमोशन बहुत कम है, इस वजह से हमारा कहानी के प्रति जुड़ाव नहीं हो पाता। हालांकि इसके बावजूद भी टाइटंस की लड़ाइयां और इसके विजुअल्स इन बाकी सभी खामियों की भरपाई कर देती है। ये मूवी मॉन्स्टरवर्स फैन के लिए डिलाइट टू वॉच है, जहां पर दांतों तले उंगलियां दबा देने वाले मॉन्स्टर्स की फाइट्स, हॉलोवर का रोमांचकारी सफर और उसके साथ में रोंगटे खड़े कर देने वाला विजुअल्स का तड़का है। मैं देता हूँ 3.5 स्टार की रेटिंग टू दिस मूवी। तो जाइए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये मूवी देखिए, और आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।